Excuse me. Some of you come this side, so then we'll spread well. Thank you. Okay, guys. Thanks. Come. Who had a question for Manish? Manish. यार आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है बुक स्माइल का. एक्चुअली दे आर बुकिंग अ स्माइल बिकॉज कुछ अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं उनके लिए खास तौर पे इन्होंने शो किया है. सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई थिंक हर इंसान शायद ये शो ना देख पाए, बट आई थिंक जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके लिए अरेंज करना, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई विश देम ऑल द लक. एब्सोल्युटली यार, हमने जो मूवी है वो देखी थी. प्ले तो नहीं हुआ था तब, प्ले तो अब हो रहा है. मैं अभी इनफैक्ट अभी जाके देखने वाला हूँ. बट हाँ, मूवी याद है और मैं बड़ा खुश होता था. मैं वेट करता था मेरी लाइफ में जीनी कब आएगा. मैंने बड़े सारे कटोरियों वगैरह रगड़ी हैं, मुझे वो दिए की शेप में लगते थे तो मैं उसको लैम्प को समझ के रगड़ता था, बट कोई जीनी बाहर नहीं आया उस टाइम. तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी तो मेरा गाना जो है मुंडे टाउन दे, विच इज़ माई फर्स्ट पंजाबी ट्रैक, वो आउट है एंड पीपल आर लाइकिंग दैट. उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म है जिसकी तैयारी हो रही है, एक फीचर फिल्म है जो हमने खुद प्रोड्यूस करी है. सो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें लगा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जून में मैं द बैंक टूर में जा रहा हूँ विद सलमान सर. सो अभी जुलाई तक तो बस दबा दब लगे हैं. नहीं नहीं, डायरेक्शन अभी नहीं है, अभी एक्टिंग कर लूँ ढंग से पहले. नहीं यार, फैंस को ये कहना है थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक्स फॉर लाइकिंग मुंडे टाउन दे. जिन्होंने नहीं देखा वो अभी जाके देखें एंड जस्ट कीप स्प्रेडिंग लव. यार मदर्स डे तो आई थिंक एक दिन नहीं होता, मेरे लिए तो 365 डेज मदर्स डे है. जब तक मैं मेरी हर मॉर्निंग शुरू होती है उनसे एक बार फ़ोन पे बात करके. और सबको ये कहना चाहता हूँ यार, माँ को बहुत प्यार दो. मैं इनफैक्ट एक ओल्ड एज होम है जिसका मैं ध्यान रखता हूँ, और वहाँ पे बहुत से मदर्स हैं जिनको उनके पेरेंट्स बच्चे छोड़ गए हैं. सो आई फील वेरी सैड फॉर सच किड्स मोर देन द पेरेंट्स. आई फील सैड फॉर द किड्स. सो आई थिंक पेरेंट्स को जितना ज़्यादा प्यार करो आई थिंक उतना कम है. आप जो भी हो उनके कारण. थैंक्स अ लॉट मैम. थैंक्स.